तो शुरू करते हैं ईयर 2021 का राशिफल जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और ये 2021 का राशिफल है पूरे साल का। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप उसे जानते हैं जो आपके प्यार में खोने को तैयार है। हम इस टॉपिक के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे इसी राशिफल में, और साथ ही हम इसी राशिफल में जो हमारे रेगुलर टॉपिक हैं धन, प्यार, नौकरी, घर, विदेश यात्रा, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेमिनी जो है वो जोड़ने वाली राशि है, वो आपस में लोग बाबू को जोड़ते हैं, उनको एक तरह से पियरिंग पसंद है। ओके, ये लोग बाग बड़े समूह में रहना पसंद करते हैं, एकाकी नहीं होते, सुंदर होते हैं दिखने में और वाणी में एक मधुरता होती है इनकी। तो इनके हम शुरू करते हैं जो इनका रेगुलर राशिफल है उसके हिसाब से। तो हमारा जैसा स्टाइल है काम करने का या राशिफल बताने का, वो है हम यात्राओं से शुरू करते हैं हमेशा। तो यात्राओं में इस साल में आपको यात्राएं तो होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिजल्ट जो मिलेगा वो बेसिकली एक मिश्रित तरह का रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस साल में। फर्स्ट इसमें पहले 3-4 महीनों में कि आपको फॉरेन जर्नी के चांसेस भी मिल जाएंगे। और आप इन जितने भी ये कंट्रीज़ में आप जाएंगे या कहीं पे भी आपकी विदेश यात्रा या अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा होगी, वहाँ पर बेसिकली ये कुछ काम धंधे से संबंधित मामले होंगे। लेकिन अप्रैल के बाद में कुछ योग ऐसे भी बन रहे हैं जिसमें कि आप कुछ बड़ी लंबी चौड़ी यात्राएं भी करेंगे आप, और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मतलब पैसा कमाने की स्थिति में जाएंगे या फिर कुछ वैकेशन पे जाएंगे, बट आपके विदेश यात्राओं के योग पूरे पूरे बन रहे हैं इस साल में। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जेमिनी स्वास्थ्य रूप से हल्का कभी कभी मतलब अक्सर जो है देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, बड़ी जल्दी खांसी जुकाम इनको लग जाता है। और अधिकतर आप देखोगे कि जेमिनी वाली वाले राशि लोगों को चश्मा भी बड़ी जल्दी लगता है। ओके, अब हम बात करेंगे इनके एजुकेशन से संबंधित मामलों की कि भाई एजुकेशन इस साल में या जो लोग बाग पढ़ने वाले लोग बाग हैं उनके हिसाब से ये जो है कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये एक तरीके से जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत शानदार साल रहेगा। और जो आपके पहले यानी कि साल के जो पहले 6 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार जाएंगे। और जो लोग बाग जो भी स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं कहीं बाहर जा करके, उनको भी ये चांस इस बार में मिलेगा। लेकिन आपको इस साल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगे रहना पड़ेगा अपने पढ़ाई लिखाई में, तब भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पहले 6 महीने तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसमें कम मेहनत करके भी सफलता आपको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। ये तो हुई ज्योतिष का पार्ट, लेकिन आप अपना कर्म भी करते रहिए। ओके, अब हम बात करेंगे आपके फिनेंस से संबंधित मामलों की, यानी कि आपका वेल्थ, प्रॉपर्टी और ये किस तरीके का रहने वाला है इस साल में। तो जो फिनेंस है वो बेसिकली इस साल में ठीक ठाक रहेगा, आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और गुरु गुरु जो ग्रह हैं, जो जो बृहस्पति जो ग्रह हैं, वो भी आपको एक तरीके से हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ नया काम धंधा सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी इस साल में। मोर और लेस आपके जो हैं आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे काम में, थोड़े बहुत इधर उधर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ सकते। जेमिनी राशि वालों को पूरे साल इस साल में जो है फंड्स की कोई कमी तो नहीं रहने वाली, और मनी का इनफ्लो बना रहेगा बेसिकली। और आप हार्ड वर्क अपना करके जारी रखिए, और आपका जो काफ़ी सारा खर्चा है वो फैमिली के भी काम में आएगा इस साल में। कोई नया घर, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी चांसेस हैं
इस साल में, और बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे कि आप इस साल में कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकें या कुछ वो कुछ बना सकें अपने। और एक दूसरे हिसाब से भी देखा जाए तो आपके 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 जो है घर परिवार में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं इस बार। अब हम बात करेंगे आपके करियर से संबंधित मामलों की कि भाई ये करियर आपका कैसा रहने वाला है इस साल में। तो इस साल में जो करियर है वो कोई भी एक ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको इस साल में कोई प्रमोशन मिलने वाला है या आपका कोई जॉब चेंज का कोई प्रोग्राम बनेगा। इस साल में ये लग रहा है कि जो भी आपके पिछले आपने किए हुए हैं उन्हीं को आप कंटिन्यू आप करेंगे, आप एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं को आप आगे बढ़ाएंगे आप। और लेकिन आपको जो आपके जो आपका जिस किसी भी जॉब में हैं आप, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जनरली आप क्योंकि मधुर वाणी का वाणी रखते हैं इसलिए बड़े ही कठिन आप निर्णय कई बार लेने में सक जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको कोई ना कोई एक अपने पार्टनर या आपको कोई ना कोई आपके जो साथ में साथी होंगे आपके वर्क प्लेस पर, उनका आपको पूरा पूरा साथ इस साल में मिलने की उम्मीद है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि बैक बाइटिंग ना करें, गॉसिप ना करें और बिल्कुल किसी प्रकार की नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहें। ओके, अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ से संबंधित मामलों की कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस साल में। इस साल में जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा आपको मतलब 2021 में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अपने जो भी आप अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं और कोशिश करें कि बिल्कुल मतलब एक सात्विक भोजन लें। आपको कुछ मेंटल डिस्टरबेंस भी इस साल में हो सकता है, मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। मेंटल डिस्टरबेंस से मेरा मतलब कोई दिमागी परेशानी से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत टेंशन से है। ओके, आपकी जो है और बाकी अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो आपने इस साल में 2020 में जो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है उसका आपको परिणाम भी हेल्थ के हिसाब से 2021 में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कीजिए इस साल में और कोई भी एक बड़ी कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है, बट यही लग रहा है कि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन दो ही चीज़ें इस साल में आपको परेशानी से लग रही हैं। कुछ पाचन तंत्र की भी समस्याएं आपको आ सकती हैं इस साल में, तो थोड़ा ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें और अपने जो है काम के हिसाब से भी आगे बढ़ते रहें। अब हम बात करेंगे आपके फैमिली से संबंधित मामलों की कि फैमिली में क्या होने जा रहा है। एक तो एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि भाई आपकी फैमिली में कोई एक नया मेम्बर भी ऐड हो सकता है इस साल में। ओके, नया फैमिली मेंबर भी ऐड हो सकता है इस साल में। और कुछ जो है जो आपके बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके भाइयों बहनों के लिए ये साल जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर वो छोटे हैं और आपकी सहायता ले रहे हैं तो वो एक अच्छे खबर ज़रूर लेकर के आएंगे इस साल में। और बाकी अगर देखा जाए तो फैमिली के हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे और आपके ऊपर, लेकिन फैमिली ओवरऑल शांति है, शांति रहेगी घर के अंदर और आपका भी स्टेटस बढ़ेगा घर के अंदर। लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, किसी भी प्रकार के मनमुटाव किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन से अवश्य बचें। ओके, अब हम बात करेंगे आपके लव के बारे में, लव और रिलेशनशिप के बारे में और इस टॉपिक के बारे में कि क्या आप उसे जानते हैं जो प्यार में खोने को तैयार है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब। उसके पहले हम आपके जॉब की भी बात करते हैं, पहले इस टॉपिक पर तो आएंगे ही आएंगे, आपके जॉब की ही बात करते हैं। जो लोग बाग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको बेसिकली इस साल में 2021 में पहले 3 महीने में उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं, देन फिर 1 महीना छोड़ के फिर उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो अल्टरनेट मंथ्स में उनको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और जनरली जो जेमिनी राशि वालों को जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता है। दे आर इजी टू गो, भगवान ने उनको एक बड़े एक ईजी लाइफ के लिए बनाया है।
तो उनको बड़े ही एक नाजुक से ही जॉब्स में रखा जाता है। कभी भी आप इनको एक हार्ड वर्क या हार्ड कंडीशंस में आप इनको नहीं देखेंगे। तो एंजॉय कीजिए, होपफुली आपको जॉब मिल जाएगा इस साल में। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की, जो यहाँ पर हमने लिखा है उसके बारे में भी। क्या आप उसे जानते हैं जो आपके प्यार में खोने को तैयार है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो एक जो आपका लव एंड रिलेशनशिप अगर हम देखें, तो रिलेशनशिप के हिसाब से ये जो है साल आपके लिए एक तरीके से बढ़िया साल कहा जाएगा, कि जिसमें जो है आपका वैवाहिक जीवन और एक पारिवारिक जीवन भी आपके लिए शानदार रहेगा, और प्रेम का जीवन, प्रेम की दृष्टि से ये काफ़ी बेहतर जीवन है। ओके, काफ़ी बेहतर ये वो है। और ये लग रहा है कि इस साल के शुरुआत के 3 महीनों में आपका जो है लव मैरिज के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और ये एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रेम है, चाहे वो एक तरफा हो चाहे वो दो तरफा हो, उसको मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको सिर्फ अपने जो भी आपके अदर हाफ हैं या बेटर हाफ हैं, उनको जो है उनसे थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म उनसे थोड़ा सा आपको अलग भी रहना पड़ सकता है इस साल में। लेकिन इस साल जो है, जो लोग बागों का प्रेम नया नया शुरू हुआ है, बिल्कुल उनके लिए ये साल जो है 2021 में उनको प्रेम की मंजिल अवश्य मिलेगी। और जब अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्या आप उसे जानते हैं जो आपके प्यार में खोने को तैयार है, देखो भाई, एक सीधी सच्ची बात ये है, जेमिनी वाले अगर वो आपकी आँखों में देख लें तो आपकी आत्मा को फड़ लेते हैं। ओके, उनमें एक सिक्स सेंस होता है और वो जानते हैं कि कौन उनको किस तरह से देखता है। 2 सेकंड में उनको पता लग जाता है कौन उनको डिसलाइक करता है, कौन उनको लाइक करता है, एब्सोल्युटली। ठीक है, और अगर कोई अगर उनके प्यार में खोने को तैयार है तो ये भी राज उनसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। एक तरीके से लोग बाग इनके सामने आके सच बोलना शुरू कर देते हैं अगर ये किसी के सामने आ जाए। इनका सिर्फ कहना यही है, ये सिर्फ एक बार बोलें कि भाई बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो, अगला आदमी अपने आप सच बोलना शुरू कर देता है। तो कोई जो है इस साल में अगर देखा जाए तो कोई जो है आपके प्यार में खोने को तैयार है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ओके, और एक तरीके से जो प्रेम और ये जो है आपको एक तरीके से ढूंढेगा इस साल में। और एक 2021 में अगर आप देखोगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा और आपको प्रेम की तरफ, प्रेम से भागने की बजाय आप जो है उसमें घुसते चले जाएंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो एक जो भी लोग अभी स्कूल में कॉलेजेस में हैं, बहुत ज़्यादा संभव है अपने किसी सहपाठी से प्यार हो जाए। ओके, और अगर ऐसा होता है तब भी ठीक है, लेकिन ये साल तो एक शानदार साल तो माना ही जाएगा हर हिसाब से आपके लिए। और एक शानदार साल एक है ये बेसिकली, रोमांस, कम्युनिकेशन, इसमें कुछ भी यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है इस साल में। तो अगर आप भी अगर तैयार हैं और सामने वाले भी तैयार हैं, बाकी मर्जी आप दोनों की है। एंड इट्स आफ्टर ऑल योर लाइफ, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके लिए 2021 का जो साल है ये बहुत ही शानदार सालों में से एक गिना जाएगा। आपको ये साल पॉजिटिविटी के हिसाब से हमेशा याद रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो है आपके लिए वाकई में ऐसा ही हो। तो हमने आपके लिए बात की कि यहाँ पर सभी मुद्दों पे हमने बात की जो कि आपको अफेक्ट कर सकते थे या आपसे संबंधित हो सकते थे। जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021, एंड आई विश यू रियली ऑल द सक्सेस एंड ऑल द हैप्पीनेस। ऑलराइट देन, थैंक यू, take care, bye bye.